शांति आज 15 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग, इसमें सभी का भला होता है। इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। प्रश्न है बाबा, सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, क्यों? उत्तर है क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। शांति, यह अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व तीजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य है। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं, वहाँ तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है, माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं, तो वहाँ मनुष्य को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहाँ भी जाओ सारे वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तुम सुप्रीम बाप है, जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। यह बिल्कुल नई बात हुई, जन्म बाय जन्म तुम सुनते आए हो, यह फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम है, भारत तो बहुत बड़ा है, जो भी कुछ सिखाते हैं समझाते हैं वह मनुष्य ही है, मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है, भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, वही आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देही अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी
रहने की आदती हैं, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, देही अभिमानी बनो, आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाट बजाती है, यह है उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मनमना भव, बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़ी ही मिल सकता है, तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, रात दिन का फर्क हो गया है। बाप समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, कृष्ण तुम सतयुग का प्रिंस है, जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा, ज्ञान है ही सदगति के लिए, सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं, वह है ही सतयुग। अभी है कलयुग, भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म, यह 1 जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, यह है सर्वोत्तम धर्म, देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है, देवताएं तो प्रलब्ध भोगते हैं, आजकल बहुत सोशल वर्कर है, तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वह है जिस्मानी सेवा करना, रूहानी सर्विस एक ही बार होती है, आगे यह सोशल वर्कर आदि नहीं थे, राजा रानी राज्य करते थे, सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं, पहले पहले शिव का बनाते हैं, वह है सर्व का सदगति दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए, शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना, फिर होती है देवताओं की पूजा, तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है चक्र को याद करते रहो, सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो, अब तुम्हारी चढ़ती कला है, कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ, पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं, जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप बैठ समझाते हैं मिथे मिथे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है, शिव बाबा आया था गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है, इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है, विघ्न भी पड़े थे अब भी पड़ रहे हैं, माताओं पर अत्याचार होते हैं, कहते हैं बाबा हमको यह नंगन करते हैं, हमको यह छोड़ते नहीं है, बाबा हमारी रक्षा करो, दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई, अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खलास एकदम गिर पड़ेंगे, इसलिए
बाप कहते हैं, पवित्र जरूर रहना है, जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते हैं। मुख्य बात है याद की, याद करेंगे पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। विष्णु के दो रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वह देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार नहीं है, वहां मूवी चलती है। अभी तुम जानते हो कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, वह है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच रहता है, इन आँखों से देख ना सके, भल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बगैर उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते, बाप समझाते हैं इतना तेजोमय आदि कुछ है नहीं। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़े ही पड़ता है, अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। आत्मा आकर बोलती है, यह भी ड्रामा में सारी नोंद है, इसमें कोई के ताकत की बात नहीं। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, यह साक्षात्कार की बात है, वंडरफुल बात है ना। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं ना, बाप आते ही इसलिए है कि हम जाकर पतितों को पावन बनाएं। कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप समझाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी यह संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग, सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाट बजाने। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विशेष होने लगते हैं,
यथा राजा रानी तथा प्रजा बाप समझाते हैं, ही भारतवासी तुम वॉइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विशेष वर्ल्ड, अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो फिर स्थापन हो। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, यहाँ ही करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं, तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं, टाइम तो लगता है ना, पतित से पावन कैसे बने यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है, उस बाप को भूलने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हो, भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। अब बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ, सर्व का सदगतिदाता एक सत श्री अकाल कहते हैं ना, अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं, बाप समझाते हैं अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी, भारत ही अविनाशी है, यह कोई को पता नहीं है, भारत का कभी विनाश नहीं होता और न कभी प्रलय होती है। यह जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ ना सके। बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से, वहाँ गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ है गर्भ जेल, सतयुग में है गर्भ महल, आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है, यह तन छोड़ दूसरा लेना है, वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, मनुष्य तो नरचैता को नरचना के आदि मध्यांत को जानते हैं, अभी तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो, तुम यानी माताएं हो नदियां, और यह गोप है ज्ञान मानसरोवर, यह ज्ञान नदियां है, तुम हो सरोवर, प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था अभी पतित है। बाप कहते हैं यह सदैव याद रखो कि हम आत्मा है, एक बाप को याद करना है, बाप ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद ना करो, इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है, इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है, बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है, तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो, यह जात की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्युलोक की यात्राएं, अमरलोक की यात्रा यह है। तो अब बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद ना करो,
बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं, बात कहते हैं तत्त्वम। तुम बच्चों को भी बाप बधाइयां देते हैं, वास्तव में तुमको बधाइयां हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयां देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वह सबको ले जाएंगे। सर्व के सदगति दाता है, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। वरदान है अतिंद्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होगी और इसी अतिंद्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। स्लोगन है, हरेक की विशेषता को स्मृति में रख